दोस्तों आज बात करते हैं माइक्रो मैक्स इन नोट 1 के कुछ यूआई फीचर्स के बारे में। अगर आपके पास ये डिवाइस है तो ये फीचर्स आपको जानना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं क्विक एक्सेस पैनल से। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं कुछ शॉर्टकट्स, और अगर आप इनको एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर ही आपको मिलता है एक एडिट बटन, जहाँ से आप अपने शॉर्टकट्स को क्विक एक्सेस पैनल में बढ़ा सकते हो या क्विक एक्सेस पैनल के कुछ शॉर्टकट्स कम कर सकते हो। उसके बाद आते हैं सेटिंग्स की तरफ, और यहाँ सबसे पहले बताना चाहूँगा बैटरी मैनेजर के बारे में। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है ये। अगर आपने ये ऑन कर रखा है तो आपके फ़ोन पर अगर कोई एप्लीकेशन ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा है तो अब फ़ोन अपने आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा एप्लीकेशन को। अब इसका फायदा भी है लेकिन एक नुकसान भी, जैसे कोई अगर आपका एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, नोटिफिकेशन डिले हो रहे हैं, तो एक बार यहाँ आप चेक कर सकते हैं कहीं वो एप्लीकेशन आपका यहाँ बैटरी मैनेजर की वजह से रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर दिया गया आपके फ़ोन से। इसके बाद आता है बैटरी सेवर। काफ़ी कॉमन फीचर है, काफ़ी टाइम से एंड्रॉइड डिवाइस में देखते हुए आ रहे हो। इसे आप यहाँ क्विक एक्सेस पैनल से भी एक्सेस कर सकते हो। अब आते हैं अपने अगले फीचर जो कि मिलेंगे डिस्प्ले के अंदर। तो नाइट लाइट के नाम से यहाँ पर ये ब्लू लाइट फिल्टर दिया गया है, जो कि काफ़ी कमाल का फीचर है। नाइट में अपने फ़ोन को यूज़ करने पर ब्लू रेज आपकी आंखों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, तो आप यहाँ से नाइट लाइट यूज़ करके अपने फ़ोन को बड़े अच्छे से यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिला डार्क थीम का ऑप्शन, यानी कि नाइट व्यू। अब ये दोनों ही फंक्शन भी आप अपने क्विक एक्सेस पैनल से एक्सेस कर सकते हो, नाइट लाइट और डार्क थीम। अब बात करते हैं नेविगेशन बार के बारे में, जो कि नीचे आपको बटन्स दिए गए हैं, और इनकी सेटिंग्स भी आपको डिस्प्ले के अंदर ही देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको दो तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो आप नॉर्मल नेविगेशन रख सकते हो जो बाकी के डिवाइस में देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है हाइड नेविगेशन बार का ऑप्शन। इसे ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ये एरो शो होगा, जिसके जरिए आप अपने नेविगेशन बार को किसी भी स्क्रीन पर हाइड कर सकते हो। और तीसरा आपको मिलता है जेस्चर नेविगेशन, यानी कि जेस्चर नेविगेशन ऑन करने के बाद आपके फ़ोन में से ये नेविगेशन वर्चुअल नेविगेशन जो होते हैं वो गायब हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको जेस्चर के जरिए ही बैक, होम और टास्क मैनेजर एक्सेस करने होंगे। जैसे कि अगर आप एक झटके में नीचे स्वाइप कर देते हो तो आप आ जाओगे होम स्क्रीन पर। किसी भी एप्लीकेशन में अंदर जाने पर आपको बाहर आने के लिए राइट टू लेफ्ट स्वाइप करना होगा, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। टास्क मेनू में जाने के लिए आपको हल्का सा नीचे से स्लाइड करना होगा, उसके बाद ऐसे ही छोड़ देना है, और ये आपका टास्क मैनेजर या फिर रीसेंट ऐप यहां ओपन हो जाएंगे। गूगल असिस्टेंट के लिए आपको यहां कॉर्नर से स्लाइड करना होगा, इससे आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए यहां पर आपको एक हार्ड की भी दी गई है। इसके अलावा डिस्प्ले के अंदर ही आपको यहां मिलता है स्क्रीन कलर मोड का ऑप्शन, जहां पर आप अपने यूज के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हो। वैसे विविड मोड यहां पर सबसे ज्यादा कमाल का है, काफी पंची कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा कि यही मोड आप अपने डिस्प्ले पर यूज करें। इसके अलावा अगर आपको ये ऊपर का कैमरा नॉच पसंद नहीं है तो आप इसे भी यहां से हाइड कर सकते हो। यहां पर डिस्प्ले के अंदर ही आपको मिलता है स्विच स्क्रीन डिस्प्ले एरिया का ऑप्शन। अगर आप इसे स्विच कर देते हो तो आपका कैमरे का जो ऊपर वाला पार्ट है वो पूरा गायब हो जाएगा, जिससे आपका जो पंचोल कैमरा है वो नजर नहीं आएगा। अगर आपसे सेटिंग्स गड़बड़ हो गई है तो डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके आप फिर से यहीं से इसे सही कर सकते हो। इसके अलावा एक कमाल का फीचर भी आपको यहां देखने को मिलता है, साउंड के अंदर एडवांस फीचर में जाके आप टच वाइब्रेशन ऑन कर सकते हो, जिसके बाद जब भी आप अपने फोन को टच करते हो तो एक हैप्टिक फीडबैक फील होता है, काफी अच्छा लगता है। अब आते हैं इंटेलिजेंट असिस्टेंस की तरफ, जहां पर आपको कई सारे जेस्चर कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं अपने फिंगरप्रिंट फंक्शंस को। तो यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि कैमरा एप्लीकेशन के अंदर आप अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर से ही फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, इसके लिए आपको ये ऑप्शन ऑन करना होगा। इसके बाद आता है स्क्रीन कैप्चर का ऑप्शन। अगर आप इसे ऑन कर देते हो तो लॉन्ग प्रेस करने पर आपके फोन में स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। इसके अलावा फिंगरप्रिंट का यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है रिटर्न होम, यानी कि अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर को तो डायरेक्ट आप अपनी होम स्क्रीन पर आ सकते हो। इसके अलावा रिटर्न बैक का भी एक कमाल का फीचर देखने को मिलता है, मतलब आप अगर अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर पर एक सिंगल टच करते हो तो करेंट स्क्रीन से आप बैक आ जाओगे। इसके बाद ये कुछ फीचर्स हैं, फ्लिप टू साइलेंट, यानी कि जब भी आपका कोई कॉल आए आप अगर अपने डिवाइस को फ्लिप कर देते हो तो आपका फ़ोन म्यूट हो जाएगा। स्मार्ट आंसर है, जिसमें अगर आपके फ़ोन पर कोई इनकमिंग कॉल आता है तो आपको अपने कान के पास बस अपना डिवाइस ले जाना है और आपका कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। इसी तरह से एंटी फेक टच मोड, जिसे पॉकेट मोड कह सकते हैं, यानी कि जब भी आपका फ़ोन आपके पॉकेट या फिर बैग में होगा तो उस समय अनलॉक हो जाने पर आपके फ़ोन का टच फैब्रिक वगैरह यानी कपड़े वगैरह से जो टच होता है वो काम नहीं करेगा। इसके अलावा थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट के यहाँ पर आपको तीन चार ऑप्शन मिलते हैं, जैसा पहले मैंने बताया लॉन्ग प्रेस फिंगरप्रिंट स्कैनर को करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जब आप अपने तीन फिंगर स्वाइप कर देते हो तो भी आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन मिलता है पावर की को लॉन्ग प्रेस करने पर, यहाँ भी आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
इसके अलावा थ्री फिंगर का यूज करके आप अपने डिवाइस पर स्प्लिट स्क्रीन भी ऑन कर सकते हो। उसके लिए आपको नीचे से ऊपर की तरफ तीन फिंगर स्वाइप करनी होंगी एक साथ। इसके बाद आपको मिलता है लिफ्ट टू वे, गूगल असिस्टेंट का बटन आपको ये ऑन रखना है या ऑफ करना है, ये भी आप इसी एडवांस फीचर्स में जाके सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इनकमिंग कॉल्स पर अगर आपको अपनी फ्लैश लाइट ऑन करनी है तो उसका फंक्शन भी आपको यहाँ मिल जाएगा, जो कि पहले एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में देखने को मिलता था। इसके अलावा यहाँ पर आपको किसी भी एप्लीकेशन पर लॉक लगाने के लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी में जाके आपको यहाँ ऐप लॉक देखने को मिल जाता है, यहीं से आप अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर और इस आईडी रजिस्टर्ड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ एक फीचर्स मैं आपको और बता देता हूँ जो कि काफ़ी कॉमन से हैं। अगर आपकी होम स्क्रीन पर कोई शॉर्टकट है और आप उसे रिमूव करना चाहते हो तो बाकी के डिवाइसेस की तरह या लॉन्ग प्रेस करके आपको रिमूव का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपको अपने एप्लीकेशन या शॉर्टकट पर लॉन्ग प्रेस करना है, इसके बाद इसे यहाँ से स्वाइप करके ऊपर ले जाना है, रिमूव का ऑप्शन अपने आप यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा इसके हिडन रिसाइकिल बिन के बारे में। जैसे कि जब भी आप कोई फाइल यहाँ से डिलीट करते हो गैलरी में से, तो यहाँ लिखा हुआ आता है मूव टू ट्रेस, लेकिन कहीं भी पूरे डिवाइस में आपको ट्रेस या रिसाइकिल बिन नजर नहीं आएगा। रिसाइकिल बिन एक्सेस करने के लिए आपको जाना होगा गूगल फोटोज में। गूगल फोटोज में यहाँ से आपको मिलता है ये ट्रेस, और यहाँ से आपको मिल जाएंगे वो सभी डिलीटेड फोटोज और वीडियो जो भी आपने डिलीट किए हैं। लेफ्ट टू राइट स्वाइप करने पर आपके फोन में यहाँ गूगल का ये एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो इसे बंद करना तो सिंपल सा लॉन्ग प्रेस कीजिए कहीं भी ब्लैंक एरिया में होम स्क्रीन पर, उसके बाद आपको मिलेगा होम स्क्रीन सेटिंग्स का ऑप्शन, और यहाँ से शो गूगल ऐप को आप बंद कर सकते हो। इसके बाद यहाँ स्वाइप करने पर गूगल का एप्लीकेशन ऑन नहीं होगा। तो यही कुछ कॉमन से फीचर्स थे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड, तो कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, और जो फीचर्स थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन इंडिया। अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।